Kusum. कुछ नहीं हो सकता है कुसुम, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर डरने की क्या बात है। मैं तुम्हें जेल से निकालूंगा और मैंने तुम्हारा केस लड़ने के लिए घर से बात की, वो तुम्हें जेल से जरूर छोड़ने का, तुम्हें खुशी होगी। आजकल का बर्थडे है, विश किया उसे। मैं तो भूल गया कसम, शायद इसलिए वो माही को मिस कर रही थी। प्लीज उसे निगलेक्ट मत करो, तुम तो जानते हो ना छोटी छोटी बातों से उसे बुरा लग जाता है। बच्ची है अभी भी और वो तो हमारी कली। यू हैव टू मेक अ फील स्पेशल। तुम ठीक कह रही हो कसम, कली का मैं ध्यान रखूंगा और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस जेल से छोड़ूंगा। कौन था ये? क्या लगता है तेरा? जस्ट अ मोमेंट। कौन है? आंटी मैं कली। अल्कोहलिक कली। माही क्या कर रही हो तुम? डोंट बी क्रेजी। मैं समझती हूँ कि कली आई है एंड यू वांट टू मीट हर, लेकिन ये वक्त नहीं है। आज तो तुम उससे मिलोगे लेकिन फिर इतनी दूर चली जाओगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बी रीजनेबल, तुम अंदर जाओ। लेकिन दाशु वो माही, अंदर जाओ। हाय कली। आंटी आपको मेरा बर्थडे याद था? हाँ ऑफ कोर्स। थैंक यू आंटी, आज आपने मुझे मेरी मॉम की याद दिला दी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैं उनकी गिफ्ट्स को देखकर से बातें कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी। आज कुसुम की वजह से मैं अपनी बेटी के इतने नजदीक होकर भी उसे नहीं मिल पा रही, उसे गले नहीं लगा सकती। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मुझे किसी भी तरह अपनी बेगुनाही साबित करनी ही पड़ेगी, लेकिन कैसे? यहां रहकर कैसे साबित कर पाऊंगी? क्या पूछा मैंने तेरे से? कौन था ये जो मिलने को आया तेरे को? मर्द है क्या तेरा? ये देख, यहां रहना है ना तो बोलना सीख, बोर नहीं करने का आप उनको सब। लगती तो अच्छी पार्टी की है तू, हाँ? लफड़े में फंस गई है किसी, हैं? हाँ बोल क्या? अरे पता है मेरे को, आ जाऊंगी 3 दिन बाद बाहर। तू क्या सोचता है 6 महीने रहूंगी क्या मैं यहाँ पे, हाँ? मिलती हूँ परसों तेरे को, ठीक समझा? क्या देख रही? विश्वास नहीं हो रहा पर ऐसा ही है। 3 दिन बाद अपुन बार
मैं चाहूं ना अब भी बाहर हो सकती हूँ, पर क्या है ना कि थक गया, दो दिन ही आराम कर लेगा। तू भी चाहती है ना बाहर जाना? बोल कब जाना है तेरे को बाहर? कल? ठीक, समझ कल तू बाहर। प्रॉमिस देती है मैं तेरे को। हालांकि ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कुसुम देशमुख एक जिम्मेदार नागरिक है और उनका पिछला रिकॉर्ड भी इस बात का गवाह है, इसलिए उनको ये बेल दी जा सकती है। थैंक्स सर। आप कल आकर इन पेपर्स पर साइन कीजिएगा, आपको बेल मिल जाएगी। थैंक यू सर। कल मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं बेटे। थैंक यू। अरे दहाड़ा, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, इस घर के लिए मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। डैड मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं को कल यहीं मिलता हूँ। ओके बाय। बाय। कमल तुम्हारे लिए खुशखबरी। पापा माँ की बेल हो गई। हाँ बेटे, उनकी बेल कल हो जाएगी। मैं जानती थी माँ को बेल जरूर मिलेगी, आखिर मेरी माँ बेकसूर थी ना। पापा मैं अभी फोन रखती, मुझे सबसे पहले एक खबर क्षितिज को सुनानी है। ठीक है बेटे, मैं भी कर यार। आराम से कुमुद। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। क्या हुआ? एक गुड न्यूज़ है। क्या? कुमुद गेस। कुसुम आंटी को बेल मिल गई। दैट्स सच गुड न्यूज़। और पता है मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर माँ को बेल मिल गई ना तो हम लोग मंदिर में पूजा रखेंगे। जरूर कुमुद, हम जरूर जाएंगे। नाजदीन शेख, सुमित्रा चौहान, कुसुम देशमुख, कुसुम देशमुख, कुसुम देशमुख किधर है? जाओ ढूंढो जाके। कुसुम देशमुख कहाँ है? उनको नहीं मालूम। अरे होशियार मत बन, बोल कहाँ है कुसुम? इंजीनियर साहब बोला ना उनको नहीं मालूम कहाँ है वो। अरे चल तुझे बताती हूँ बराबर।
कुसुम का बेन मिल रही है, वो कल घर आ जाए। क्या बात है? आप लोग एक कुसुम के खुश करिए। क्या हुआ साहब? पूरा घर छाट डाला, यहाँ पर कोई नहीं। ठीक है, ये सब क्या हाल है? आप अभय कपूर? अच्छा, तो आप हैं अभय कपूर। देखिए, कुसुम देशमुख जेल से भाग गई है। 24 घंटों में उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो उन्हें शूट करने के भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। चलो चलो, लेट्स गो। तुम वहां चेक करो, तुम ऊपर जाओ। सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? आप हमारे घर में ऐसे? देखिए, हमारे पास सर्च वारंट है और कुसुम देशमुख जेल से भाग चुकी है और जहां पर वो छिप सकती है उनमें से एक घर आपका भी है, तो प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। व्हाट रमेश, ये आप क्या बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है। कुसुम जी की कल बेल होने वाली है और जेल से छूट जाएगी। ये बात सच है कि वो जेल से छूटने वाली थी, लेकिन ये भी सच है कि वो जेल से भाग चुकी है और जब तक वो अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेगी, कोर्ट उन्हें शूट करने का भी ऑर्डर दे सकता है। बेचारे कुसुम पता नहीं किस हाल में, लगता है भगवान भी उससे नाराज है। वो बेचारी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जेल से भागी, पर ये भूल गई कि ऐसा करने से तो वो और भी बेगुनाह साबित हो गई। इसे ही तो कहते हैं पढ़े लिखे मूर्ख। बात है मैडम, अपने आप को बेगुनाह साबित करने और जेल से भागने की इतनी आग अपुन ने पहली बार देखी किसी ने। और एक बात बताओ, क्या लगती है वो तेरी? हम कौन हैं और क्या करना चाहते हैं, ये तुम्हें देखने और जानने की कोई जरूरत नहीं। ये रहे तुम्हारे पैसे और भूल जाना कि हम कभी मिले थे, क्योंकि अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तुम समझ रही हो ना कि हम क्या कहना चाहते हैं? अरे हाँ रे, समझ रही है मैं। मेरे को क्या दिमाग से सटकेला समझी है तू? पुण्य इसके लिए। यानी ये सब साशा की चाल जानते साशा ने तुम्हें छोड़ूंगी, आई वॉन्ट लीव यू। लेकिन ये तीसरी आरोप है, रुको मैं देखती हूँ। दरवाजा खोलो ताशु, मुझे मालूम है तुम अंदर हो। ताशु दरवाजा खोलो। ताशु
बाहर कुसुम थी। कुसुम? तुमने ऐसा क्यों किया कुसुम? क्यों अपना धैर्य खो दिया? सिर्फ एक दिन की तो बात थी, तुम वापस घर में आने वाली थी मेरे पास, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? कहाँ होगी वो? कैसे हाल में होगी? पता नहीं पुलिस से बचने के लिए कहाँ कहाँ भागती फिर रही होगी। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। अगर उसे शूट करने का ऑर्डर दे दिया गया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। हेलो हेलो सर, अभी अभी अभय कपूर घर से निकले हैं। ओके सर। ये तो अभय की गाड़ी थी। सारा सनम हो अभय, जीवन अपना सारा सनम, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अब मैं सबूत भी नहीं ढूंढ पाऊंगी क्योंकि पुलिस मेरे पीछे है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम मेरी? कैसी परीक्षा ले रहे हो? नहीं नहीं, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। जब तक सोहन की मौत का सबूत नहीं मिल जाएगा, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। की कोशिश नहीं करना।